कभी किसी पक्षी को घोंसले की नींव बनाते देखा है? अथक परिश्रम करके तिनका तिनका बिटोर कर वो पक्षी अपना घोंसला बनाता है, अपनी संतान के लिए एक सुरक्षित घर बनाता है। और फिर कहीं से तीव्र आंधी आती है, भारी वर्षा होती है और उसका घोंसला तिनका तिनका करके बिखर जाता है। फिर वो पक्षी क्या करता है? वो रोता नहीं, ना ही विलाप करता है। वो बिना विलंब करे फिर से अपना घोंसला बनाना प्रारंभ कर देता है और सफलता पाता है। फिर हम क्यों छोटी छोटी असफलता से भयभीत होकर परिश्रम करना छोड़ देते हैं? एक बात सदा स्मरण रखिएगा, हर वृक्ष कुल्हाड़ी की एक मार से नीचे नहीं गिरता, हर चट्टान घन के एक प्रहार से नहीं टूटती। सफलता पाने के लिए अनावरत परिश्रम करना ही मात्र एक मार्ग है। स्वीकारण, सत्य का स्वीकारण मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक मनुष्य सत्य को स्वीकार नहीं करता, उसे असत्य से लड़ने की शक्ति प्राप्त नहीं होती। जब आप भोजन करते हैं तो क्या होता है? आपका पेट स्वीकारता है कि वो भर चुका है और आप भोजन करना बंद कर देते हैं। जब आपको निद्रा आती है तो क्या होता है? आपका मन स्वीकारता है कि आपका शरीर थक चुका है और उसे विश्राम की आवश्यकता है। उसी प्रकार जब आपको किसी व्यसन को रोकना हो तो आपको स्वीकारना पड़ता है कि बहुत हो चुका, चाहे वो लालच हो या मदिरा पान। उस व्यसन का त्यागना तभी प्रारंभ होता है जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि आप उस व्यसन के बंधक हैं। हम में से ऐसा कोई नहीं जिनकी परछाई उनसे दूर रहती, हमारी परछाई सदैव हमारे साथ रहती है। कदाचित हमारी परछाई हमारे कर्मों के फलों का संकेत है। कदाचित इसी कारण कई बार हमें अपनी परछाई से भय भी लगता है, परंतु इस भय से निवारण पाने का एक साधन अवश्य है, वो है सूर्य की ओर मुख करना या किसी प्रकाश के स्रोत की ओर मुख करना, क्योंकि तब हमें हमारी परछाई दिखाई नहीं देती। यदि इसे जीवन के संदर्भ में देखें तो ये प्रकाश का स्रोत शुभ कर्मों की चेतना है। यदि आपके मन में शुभ कर्म करने की इच्छा है तो आपको कभी भी अपने कर्मों के फल का भय नहीं होगा, क्योंकि यदि आपका मन शुद्ध होगा तो आपके कर्म शुद्ध होंगे और शुद्ध कर्मों का फल कभी अशुद्ध नहीं हो सकता। आज मैं आप सबको एक कथा सुनाता हूं। एक दिन प्रातः एक व्यापारी अपने घर से निकला। घर से निकलते ही एक बिल्ली ने उस व्यापारी का मार्ग काट दी। व्यापारी घबरा गया, वो फिर से घर लौट गया और शुभ घड़ी की प्रतीक्षा करने लगा। और जब वो पुनः अपने घर से निकला तब वो वाहन जा चुका था जिससे राजा तक पहुंचकर उसे भेंट देनी थी। राजा को भेंट नहीं मिली, राजा क्रोधित हो गए। राजा ने उस व्यापारी का व्यापार बंद करवा दिया। इस कारण व्यापारी क्रोधित होकर घर पर अपनी पत्नी से लड़ बैठा। पत्नी अपने बच्चों समेत मायके वापस चली गई और उस व्यापारी के जीवन में यदि कुछ रह गया था तो केवल अंधकार। और इन सब का कारण वो उस बिल्ली को मानता रहा जिसने उसका मार्ग काटा था। ऐसा ही एक दूसरा व्यापारी राजा को भेंट देने निकला और उस व्यापारी का मार्ग भी एक बिल्ली ने काट दिया। वो व्यापारी तनिक घबराया, परंतु उसने आगे बढ़ना अधिक उचित समझा। राजा तक वो समय पर पहुंचा, उसने राजा को भेंट दी। राजा प्रसन्न हुए और राजा ने व्यापारी को अपना व्यापार बढ़ाने की अनुमति दी, स्वर्ण आभूषण दी। जब व्यापारी घर पर पहुंचा तो पत्नी को आभूषण और अपने बच्चों को देने के लिए वस्त्र थे उसके पास।
हर ओर प्रसन्नता थी। समझ रहे हैं ना, दोनों के साथ एक ही प्रकार की घटना हुई परंतु दोनों की प्रतिक्रिया भिन्न थी। ऐसा ही हमारा जीवन भी है। हमारे जीवन में प्रारब्ध का अपना स्थान है परंतु उससे कई अधिक महत्वपूर्ण हमारी प्रतिक्रिया, हमारे सोच का प्रभाव है, क्योंकि यही हमारे जीवन को आकार देते हैं। इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक रखिए, आपका जीवन सदैव आनंदमय रहेगा। आप इन दो पात्रों को देख रहे हैं, मेरे इस पात्र में जल है और ये पात्र मिष्ठान से भरा हुआ है। दोनों ही पात्र भरे हैं परंतु देखिए, मिश्री को जल में मिला दिया, जल ने मिश्री को अपना लिया, मिश्री ने अपना अस्तित्व खो दिया, परंतु जल को अभिमान है कि उसका अस्तित्व अभी भी बना हुआ है। परंतु जो इस जल को चखेगा उसे अवश्य पता चल जाएगा कि ये जल अब वो जल नहीं रहा, ये अब शरबत बन गया। हमारा त्याग, हमारे बलिदान भी ऐसे ही होते हैं। जो इस बात को अनुभव करते हैं वो समझ सकते हैं कि कैसे हमने समय की धारा को बदल दिया। जो बलिदान देते हैं उनका अस्तित्व कभी नष्ट नहीं होता, अभी तो उनका बलिदान संसार में कुछ ना कुछ परिवर्तन अवश्य लाता है। हम सभी कभी ना कभी कहीं ना कहीं अपने जीवन में यात्रा अवश्य करते हैं। हमारी यात्रा में कभी पक्के रास्ते आते हैं तो कभी कच्चे रास्ते। पक्के रास्ते मनुष्य बनाता है और कच्चे रास्ते जानते हैं कैसे बनते हैं? चलते चलते बन जाते हैं। जब लोग एक स्थान से जाते हैं तो पैरों के दबाव से नीचे की घास कुचल जाती है। बार बार उस मार्ग से जाने से धीरे धीरे मार्ग स्वतः ही बन जाता है। और यही जीवन है, यही नियति है। जब आपके जीवन में आपको मार्ग ना मिले तो रुकिए नहीं, आगे बढ़ते रहिए और आपके पैरों के दबाव से मार्ग स्वतः ही बन जाएगा। हम सभी अपने जीवन में सफलता चाहते हैं, है ना? उसके लिए हम रात दिन परिश्रम करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं परंतु फिर भी असफल हो जाते हैं। परंतु ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा आप सबने? क्योंकि सफलता पाने का मंत्र बड़ा कठिन नहीं, बड़ा सरल है। उचित विचार, उचित समय, उचित स्थान पर उचित प्रहार। जब आपके विचार, समय, स्थान और प्रहार यानी परिश्रम उचित है तो सफलता आप ही को मिलेगी। जिस प्रकार एक लौहकार लोहे से कुछ बनाते समय उस लोहे के सही ताप तक के आने की प्रतीक्षा करता है और समय आने पर उचित स्थान पर पर्याप्त बल से प्रहार करता है और लोहा आकार ले लेता है, ठीक उसी प्रकार आपकी सफलता भी आकार लेती है। हम सभी को अपने जीवन में कभी ना कभी निराशा मिलती है, असफलता मिलती है और अधिकतर लोग इसके पश्चात भाग्य का रोना लेकर बैठ जाते हैं। कुछ कहते हैं कि जिस स्थान पर मैं हूं उससे कई ऊंचे स्थान पर होने के योग्य था परंतु नहीं जा पाया। किसी को पीड़ा है कि उसे जो मिलना चाहिए था वो उसे नहीं मिला, भाग्य ही बुरा था। भाग्य क्या होता है? भाग्य वन में खिला पुष्प देवताओं को चढ़ाया जाएगा, या किसी सुंदरी की वेणी में वो सजेगा, या फिर उसे कुचल कर उत्पाद बना दिया जाएगा। ये सब एक पुष्प के नियंत्रण में नहीं होता, परंतु जब तक उस पुष्प का अस्तित्व है सुगंध बिखेरना उसके वश में अवश्य है।
परंतु भाग। भाग्य हमारे वश में नहीं, और जो हमारे वश में नहीं उसके लिए दुखी होने से क्या होगा। कर्म पर वश है वो कीजिए, और धीरे धीरे भाग्य आपके वश में आ जाएगा, क्योंकि कर्म ही प्रधान है। कभी आप ब्रह्म मुहूर्त में जगे, जगकर देखिए, संध्या होने के पश्चात जब रात्रि का अंधकार सारे संसार को धीरे धीरे अपने अंधकार में निगलने लगता है, तो यही अंधकार ब्रह्म मुहूर्त में भोर होने से ठीक पूर्व तनिक अधिक काला हो जाता है। कुछ समझे? हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही होता है। जब हमारे जीवन की समस्याएं अपने अंत पर होती है, तो यही समस्याएं एक भीषण रूप लेकर हमारे समक्ष प्रस्तुत हो जाती है, और ऐसे परिस्थिति में अधिकतर लोग हार मान जाते हैं, भय खा जाते हैं। परंतु यदि आप हार ना माने, भय ना खाएं, दृढ़ रहें, निरंतर आगे बढ़ते रहें, तो प्रकाश के रूप में हमारा स्वागत करने के लिए सूर्य उदय सदा हमारे समक्ष प्रस्तुत रहेगा। आपने बरगद के वृक्ष को देखा है, जितना विशाल उतना दृढ़। पतझड़ में वो सूख जाते हैं, परंतु दुर्बल नहीं होते, टूट कर गिरते नहीं। और उसके विपरीत दलदल में उपजे वृक्षों को देखिए, वो दिखने में तो बड़े होते हैं, पतझड़ आए या शीत सदा हरे भरे होते हैं, परंतु इतने दुर्बल होते हैं कि जल धारा के हल्के से वेग से वो गिर जाते हैं। परंतु ऐसा क्यों होता है? कारण है जड़े। जिसकी जड़े दृढ़ भूमि में है, वो हर चक्रवात हर ऋतुओं को सह लेता है, और जिसकी जड़े दलदल में है, वो स्वयं की जड़ों को दुर्बल बना लेता है। कुछ ऐसा ही मनुष्य भी होता है, जो अधर्म कुकर्म और असत्य की धरा पर उपजा है, वो समय की एक मार भी नहीं सह पाता। और जो मनुष्य सत्य धर्म की धरा पर उपजा है, वो हर समस्या से अविचलित हो जाता है। अब आप पर निर्भर करता है कि आप क्या बनना चाहते हैं। हमारे जीवन में मित्र और शत्रु बड़ा महत्व रखते हैं। यदि गंभीरता से सोचा जाए तो ऐसा कोई क्षण नहीं जब हम अपने मित्रों के बारे में ना सोचते हों, या फिर अपने शत्रुओं के बारे में। हमारा हर कार्य या तो हमारे मित्रों के हित के लिए होता है, या फिर हमारे शत्रुओं के अहित के लिए। हम हर स्थान या तो अपने मित्रों के साथ होते हैं, या फिर अपने शत्रुओं के साथ। कोई नहीं चाहता कि उनका शत्रु प्रसन्न रहे। हर कोई अपने शत्रु को नष्ट कर देना चाहता है, और ऐसा करने के लिए वो हर संभव प्रयास करता है। उसे आर्थिक, मानसिक और शारीरिक हानि पहुंचाने का प्रयास करता है। परंतु यदि मैं आज आपको ऐसा मंत्र सिखाऊं जिससे आप अपने शत्रु को सदा के लिए नष्ट कर दे, तो, और वो मंत्र है मित्र बनाना। अपने सभी शत्रुओं को अपना मित्र बना लीजिए, और आपके सारे शत्रु स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। मैं क्या कर रहा हूं? मैं दिए प्रज्वलित कर रहा हूं ताकि अंधकार को मिटा सकूं। अब आप कहेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, है ना? परंतु इसमें महत्वपूर्ण बात समझने के लिए यह है कि मैं क्या नहीं कर रहा हूं, और मैं अंधकार नहीं कर रहा हूं। क्योंकि अंधकार को मिटाने के लिए प्रकाश का अस्त्र तो उठाना ही पड़ता है। बुराई को बुराई से नहीं, अच्छाई से जीता जाता है। अन्याय को अन्याय से नहीं, न्याय से लड़ा जाता है। क्रोध को क्रोध से नहीं, क्षमा का साथ लेना होता है।
ठीक उसी प्रकार एक लोहा लोहे को काटता है, परंतु एक ठंडा लोहा ही गर्म लोहे को काट सकता है। इसलिए यदि आपको अपने जीवन में विजयी होना है तो अपने शत्रुओं को, अपने अस्त्रों को सोच समझ कर उठाइए, क्योंकि एक अनुचित सोच परिणाम पर भारी प्रभाव डाल सकती है। आप सब सोच रहे होंगे कि ये क्या मैं करने लगा, मैं इस पौधे को जड़ से उखाड़ रहा हूं। आश्चर्य हो रहा है ना कि एक पौधे को उखाड़ना या काटना ना केवल एक अपराध है अपितु पाप भी है। तो फिर मुझे ऐसा करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? क्योंकि कई बार विनाश ही सृजन तक पहुंचाता है। यदि नया भवन बनाना हो तो पुराने भवन को गिराना पड़ता है, व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए क्रांति लानी पड़ती है। और उसी प्रकार यदि किसी वृक्ष या किसी पौधे की जड़ों में घुन लग जाए या उसका मूल सड़ जाए तो उसे जड़ से उखाड़ देना ही श्रेयस्कर होता है, ताकि उस स्थल पर नए पौधे उपज सके। युद्ध करना पर्याय नहीं, परंतु कभी कभी शांति के लिए युद्ध करना आवश्यक हो जाता है। सार में सबसे श्रेष्ठ क्या है? फूल या कांटे, प्रेम या घृणा, संपन्नता या दरिद्रता, मित्र या शत्रु, बताइए। अब आप भी कहेंगे कि भला ये कोई पूछने की बात हुई, अवश्य फूल, प्रेम, संपन्नता और मित्र ही श्रेष्ठ है। परंतु क्या आपने अपने जीवन में कभी सोचा है कि हर एक भाव, हर एक वस्तु, हर एक घटना का एक गुणधर्म होता है? त्वचा पर जलन करने वाले फूलों से अधिक श्रेष्ठ वो कांटे हैं जिनसे आप अपने घर की बाड़ बनाते हैं ताकि वन्य पशु आपके भीतर ना आ सके। वो प्रेम श्रेष्ठ नहीं जो आपको अंधा, लोभी, पक्षपाती बनाता, वो घृणा श्रेष्ठ है जो आपको नया मार्ग दिखाता। वो संपन्नता श्रेष्ठ नहीं जो आपको कृपण बनाता, मतदान्ध बनाता। वो दरिद्रता श्रेष्ठ है जो आपको जीवन में परिश्रम करने की शिक्षा दे। कुविचार देने वाले, बुरा मार्ग दिखाने वाले मित्रों से अधिक श्रेष्ठ वो शत्रु होते हैं जो हमें जीवन का लक्ष्य दे दे। इसलिए अपने जीवन में हर वस्तु, हर भाव, हर घटना के गुणधर्म को पहचानिए और उसके पश्चात अपना चयन कीजिए। स्वर्ण, हम सभी को अपने जीवन में स्वर्ण से कभी ना कभी कुछ ना कुछ थोड़ा या अधिक मोह होता ही है ना? परंतु क्या आपने कभी सोचा कि स्वर्ण को प्राप्त कैसे किया जाता है? जब भूमिगत खदानों से स्वर्ण को निकाला जाता है तब वो एक पाषाण की भांति होता है, ऐसा पाषाण जिससे आप किसी को भी मार सकते हैं, परंतु उसे आभूषण के रूप में स्वयं के शरीर पर धारण नहीं कर सकते। यदि उसे आभूषण बनाना है तो उसे लंबी यात्राएं करनी होती है, उस पाषाण को पिघलना होता है, सुनार के हथौड़ी की अनेकों चोटें खानी पड़ती है, फिर काट छाट और उसके पश्चात जाकर वो ऐसा आभूषण बनता है जो हमें वर्षों तक, सदियों तक लुभाता रहता है। इसलिए यदि आपको समय पर विजय पानी है तो स्वयं के निर्माण पर समय देना होगा। हम सभी सुनते आए हैं कि जो वीर होता है, साहसी होता है, शौर्यवान होता है, उसके समक्ष सारा संसार झुकता है, वीर भोग्य वसुंधर। परंतु वीरता है क्या? शौर्य क्या है? साहस क्या है? साहस युद्ध नहीं, वीरता विजय नहीं, शौर्य कभी ना गिरना नहीं। साहस किसी चुनौती के समक्ष खड़े होने का भाव है, तो वीरता
उस चुनौती को उत्तर देने के लिए पूर्ण परिश्रम लगा देना है। और शौर्य, शौर्य का अर्थ है गिरकर फिर से उठने का साहस रखना, बार बार प्रहार करके वीरता दिखाना, निरंतर प्रयास करते रहना, निरंतर परिश्रम करते रहना। इसलिए विजयी होने से अधिक महत्वपूर्ण है शौर्यवान होना, क्योंकि जो शौर्यवान है उसे विजय मिलना निश्चित है। सम्मान, मनुष्य के जीवन में सम्मान का बहुत अधिक महत्व है। वो उसे अपने हृदय, अपने मन से जोड़कर रखता है। कदाचित इसीलिए हम शत्रु के सम्मान पर चोट पहुंचाते हैं ताकि उसे पीड़ा पहुंचाई जा सके। परंतु ऐसा करने से सावधान रहे मित्रों, शरीर पर लगी चोट मनुष्य भुला सकता है, परंतु उसके सम्मान को लगी चोट उसे जीवन भर पीड़ा देती है। और स्त्री के मान सम्मान पर लगी चोट उसे उस सीमा तक ले जाती है जहां उसे केवल प्रतिशोध दिखाई देता है। यदि अपने शत्रुओं को जीतना है तो प्रेम से जीतिए, अपने कर्मों से जीतिए, उन्हें अनुभव करवाइए कि उनसे भूल हुई है। किसी के सम्मान को ऐसी चोट ना पहुंचाइए कि वो आपका नाश करने पर उतर आए। स्मरण रखिए, किसी का अपमान करके आपके हृदय को कदाचित थोड़ा संतोष आ जाए, परंतु उस अपमान से आप कई हृदयों को आघात पहुंचाते हैं और अपने लिए एक शत्रु और बढ़ा लेते हैं। हम सब शीघ्र ही सफलता चाहते हैं, ढेर सारी संपत्ति और सुख चाहते हैं, और ऐसे में कई बार हम छोटे मार्गों का चयन कर लेते हैं, वो मार्ग जिनमें परिश्रम नहीं होता, जिनमें होता है तो केवल छल, कुटिलता और भाग्य का सहारा, जैसे कि जुआ। कोई जुए के खेल में धन लगाता है, कोई दाव लगाता है, और ये भूल जाता है कि जुआ ऐसा दलदल है कि जिसमें एक बार गिरे तो सर्वनाश से पहले निकलना असंभव है। यदि आप जीते तो और जीतने की भूख बढ़ जाएगी, और यदि आप कुछ हार बैठे तो उसे पुनः पाने के लिए आप फिर से खेलेंगे। मनुष्य को यह आभास ही नहीं होता कि अपनी संपत्ति के साथ साथ वो अपनी मानवता, अपने संस्कार, अपना धर्म और अपना उत्तरदायित्व तक सभी जुए की भेंट चढ़ा देता है। इसलिए कुछ पाना है तो परिश्रम से पाओ। यदि कुछ जुए में जीता तो वो उतना शीघ्र ही खो दोगे, क्योंकि उसे परिश्रम से पाया नहीं गया है, और उसकी रक्षा करने के लिए आपके मन में स्वाभाविक प्रयास भी नहीं होंगे। क्षमा बढ़न को चाहिए, छुट्टन को उत्पाद। क्षमा इस संसार में शांति का, सुख का मूल आधार है। क्षमा आपके मन से प्रतिशोध और शत्रुता जैसे भावों को समाप्त करती है। परंतु क्या हर स्थान पर क्षमा आवश्यक है? क्या प्रत्येक का अपराध क्षमा करने के योग्य होता है? नहीं। कभी कभी उसे क्षमा करके हम उस व्यक्ति को और बड़ा अपराध करने की प्रेरणा देते हैं, और ऐसा ही अपराध है स्त्री का मान भंग करना, जिसमें क्षमा की कोई अवस्था नहीं। यदि सिंह भूल से गाय के बछड़े का अखेट कर ले तो उसे क्षमा किया जा सकता है, परंतु यदि वो नरभक्षी हो जाए तो उसके केवल दो स्थल होते हैं, या तो पिंजरा
या फिर मृत्यु की गोद। कुछ परिस्थितियों में क्षमा के स्थान पर दंड देना आवश्यक होता है, क्योंकि यह दंड का भय ही है जो लोगों को वो अपराध करने से रोकता है। संसार में सबसे बड़ा क्या है, अभिमान और बाहुबल या विश्वास और आस्था? निश्चित रूप से बाहुबल के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। मनुष्य अपने बाहुबल से पर्वत को मैदान बना सकता है, सागर सुखा सकता है, मरुस्थल में नदियां बहा सकता है, परंतु बाहुबल को सहारा होता है विश्वास का। यदि मन में विश्वास ना हो तो बाहुबल किसी काम का नहीं। वो कौन सा बल कि मोर आकाश की ओर ताकते हैं? वो विश्वास ही तो है जिसके कारण वर्षा होती है और दोनों की प्यास बुझती है। परंतु जब आपके बाहुबल का सामना धर्म के विश्वास से होता है तो बाहुबल हार जाता है और जीतता है विश्वास। विजय होती है आस्था की। यदि आप सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं और आप अपने इष्ट में आस्था रखते हैं तो किसी भी पापी का बल आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो हेलो दोस्तों, आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फ्रेंड्स को शेयर करें। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। तो फिर मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में। धन्यवाद।